मालो जी, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे क्या? अरे इतनी मुश्किल से हम तुम्हें छुड़ा करके यहाँ ले आए और तुम फिर इन्हीं लोगों के साथ जा रहे हो। मैं यहाँ रहने लायक नहीं हूँ। चलिए शिशुपाल जी, चलो। मालो जी, रुक जा मालो। काका रुक जाइए, काका संभालिए अपने आप को। आइए आइए आप। इससे अच्छा होता कि मेरा कोई भाई ही नहीं होता। काका कुछ भी मत बोलिए। कैसे ना कहूं भी, इतने सालों बाद वो आया है, कितना इंतजार किया उसका हमने, और जाते जाते कह के क्या गया कि वो जानता ही नहीं है हम लोगों को। देखिए काका, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि मालू ने ऐसा क्यों कहा कि वो यहां रहने लायक नहीं है। मालू भी तो इंसान ही है ना काका, उसे भी यहां अपने लोगों के बीच अपने चाल में आकर अच्छा ही लगा होगा, लेकिन फिर भी उसने शिशुपाल जी के साथ जाने का रास्ता क्यों चुना होगा? इसके कारण तक पहुंचना होगा हमें। हाँ नंदू काका, भीम सही कह रहा है, और उसका कारण भी पता चल जाएगा, तभी हम मालू जी को ठीक से समझा पाएंगे। मगर हमें पता कैसे चलेगा कि मालू जी की समस्या क्या है? चलता हूँ भीमरा, पहले भी तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी, और एक बार फिर आज जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान देकर भी एहसान लौटाऊंगा मैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैंने जो कुछ भी किया वो एहसान नहीं था। देखिए अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो एहसान था, तो बस एक ही काम कीजिए, आप भी किसी जरूरतमंद को जीवन के सही मायने सिखाइए, उसका जीवन एक सही रास्ते की तरफ जाए ये कोशिश कीजिए, बस फिर ये सारा एहसान चुकता हो जाएगा। भीम, अब मैं चलता हूं। जी धन्यवाद गुरु जी। चलिए राम जी, चलता हूं। मगर भीम, मैं दोबारा मालो जी को अपने से दूर नहीं करना चाहता। काका, मैं भी मेरे दोस्त को खुद से दूर नहीं करना चाहता। अब चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द मालू को वापस लेकर आऊंगा। हाँ, ये तो होना ही था। लोग जो चाहे, लेकिन उनके खिलाफ जाकर ये खुद की चलाए गए। अब वो मालू जी क्या कह के गया था कि उसे यहाँ नहीं आना है, फिर भी ये जाएगा, उसे लेकर आएगा और नया नाटक शुरू करेगा। चल बेटा। हाँ बाबा, चलिए। बाबा मैं भी चलता हूँ। पर आपकी तबीयत? लक्ष्मी कुछ नहीं होगा। रमा तुम मिर्ची का ठेसा और भाकरी बना कर रखो, मालू को बहुत पसंद है, हम उसे लेकर आएंगे तो उसे भूख लगी होगी, वो खा लेगा। चलिए भैया। बाबा आई, पता नहीं क्यों, लेकिन आज आपकी बहुत याद आ रही है।
की याद आ रही है? मैं हूं ना। आगे से आई की याद आएगी ना तो मेरे पास आ जाना, थोड़ी कम याद आएगी। भीम शांत हो जाओ, मैं हूं। जब तुम नहीं थे मालू और जब मुझे रोना आता था तब मैं हमारी चाल के बाहर उसी पेड़ के नीचे जाकर रोता था जहां हम अक्सर बैठा करते थे। तुम कभी बिना हरी मिर्च के खाना नहीं खाते थे और मैंने खाने में कभी हरी मिर्च नहीं खाई, लेकिन जब से तुम छोड़कर गए हो मैं रोज खाने के साथ एक हरी मिर्च खाता हूं। बहुत तीखी लगती है लेकिन फिर भी खाता हूं, लेकिन अब बस हो गया, आज से नहीं खाऊंगा। आज से तुम्हारे हिस्से की हरी मिर्च तुम खाओगे, बख्श दो मुझे। अब चलो मेरे साथ। भीम, तुम्हें उसी मित्रता की कसम है, मुझे जाने दो, मत रोको मुझे। रमा ने बताया तुमने खाना फेंक दिया, ठीक है अब ये खाना खा लो। मैंने हजार बार बोला है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं ये सब फेंक दूंगा फिर से। फेंक दोगे? हाँ लो फेंक दो, लेकिन ये जरूर सोचना कि इसी रोटी के लिए तुम पैसे कमाना चाहते थे। यही रोटी यही सब्जी एक दिन तुम्हारे घर पर नहीं थी तो नंदू काका से झगड़ कर तुम यहाँ से भाग गए थे। आपके फूल बेचने से हम दोनों भाई ढंग से खा भी नहीं पाते। मैं मजदूरी करूंगा तो कम से कम भूख लगने पर खाना तो मिलेगा। ये सब सोचो और फेंक दो। दोस्ती की कसम खाकर कहता हूँ कि वापस ये भीमराव कभी खाना खिलाने नहीं आएगा तुम्हें। फेंक दो खाना। हाँ मैं फेंक दूंगा ताकि तुम दोबारा मत आओ खाना खिलाने। फेंक दो। मैं सही में फेंक दूंगा। फेंक दो। नहीं फेंक पाओगे तुम, फेंकना होता तो कब का फेंक दिया होता। और इसीलिए कह रहा हूं चुपचाप खा लो ये खाना। लो। आपके और इनके दोस्ती के किस्से सुनाए हैं इन्होंने मुझे। ये कहते हैं कि दुनिया में आप एक ही है जिनके साथ ये पूरे जीवन भर रहना चाहते हैं।
नालायक, मन तो कर रहा है ना कि जान से मार दूं तुझे। तुम्हारे समाज ने पगड़ी पहनाई है मुझे कि मैं उस भीम राव और उसकी जात से बदला ले सकूं, और तू ये डॉक्टर की पर्ची दिखा रहा मुझे। सही कह रहे हैं बाबा आप, अगर हमने उस भीम और उसकी जात के लोगों को कुछ बड़ी हानि नहीं पहुंचाई ना, तो हमारे जात वाले हम पर हंसेंगे। मेघवाल, खाना निकाल, खाना निकाल। जी जी बाबा। क्या करूं मैं? लेकिन रमा का शुक्र मना और बिना बहस किए ये थाली उठाओ और शोभा को साफ करके दिया। आज तुमने शोभा का सर फोड़ दिया, उसके बदले वो थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाए या ना लिखवाए वो शोभा जाने, लेकिन आज तुमने शोभा के साथ मीरा के साथ जो बदतमीजी की है उसके बदले ये थाली उन्हें धोकर देनी पड़ेगी। जानती हूँ मैं कि मुझे हारते हुए देखना सबको पसंद है, बहुत खुशी मिलती है ना सबको, लेकिन आज मैं नहीं हारूंगी। तो आज तुम अपने पति को हारोगी। अगर आज तुमने मेरा कहना नहीं माना तो अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगा। बाकी तुम देख लो। रमा ने बताया तुमने खाना फेंक दिया, ठीक है अब ये खाना खा लो। मैंने हजार बार बोला है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं ये सब फेंक दूंगा फिर से। फेंक दोगे? हाँ लो फेंक दो, लेकिन ये जरूर सोचना कि इसी रोटी के लिए तुम पैसे कमाना चाहते थे। यही रोटी यही सब्जी एक दिन तुम्हारे घर पर नहीं थी तो नंदू काका से झगड़ कर तुम यहाँ से भाग गए थे। आपके फूल बेचने से हम दोनों भाई ढंग से खा भी नहीं पाते हैं। मैं मजदूरी करूंगा तो कम से कम भूख लगने पर खाना तो मिलेगा। ये सब सोचो और फेंक दो। दोस्ती की कसम खाकर कहता हूँ कि वापस ये भीमराव कभी खाना खिलाने नहीं आएगा तुम्हें। फेंक दो खाना। हाँ मैं फेंक दूंगा ताकि तुम दोबारा मत आओ खाना खिलाने। फेंक दो। मैं सही में फेंक दूंगा। फेंक दो। नहीं फेंक पाओगे तुम, फेंकना होता तो कब का फेंक दिया होता। और इसीलिए कह रहा हूं चुपचाप खा लो ये खाना। लो। आपके और इनके दोस्ती के किस्से सुनाए हैं इन्होंने मुझे। ये कहते हैं कि दुनिया में आप एक ही है जिनके साथ पूरे जीवन भर रहना चाहते हैं।
मन तो कर रहा है ना कि जान से मार दूं तुझे। तुम्हारे समाज ने पगड़ी पहनाई है मुझे कि मैं उस भीम राव और उसकी जात से बदला ले सकूं, और तू ये डॉक्टर की पर्ची दिखा रहा मुझे। सही कह रहे हैं बाबा आप, अगर हमने उस भीम और उसकी जात के लोगों को कुछ बड़ी हानि नहीं पहुंचाई ना, तो हमारे जात वाले हम पर हंसेंगे। मेघवाल खाना निकाल, खाना निकाल। जी जी बाबा। क्या करूं मैं, लेकिन रमा का शुक्र मना और बिना बहस किए ये थाली उठाओ और शोभा को साफ करके दे आओ। आज तुमने शोभा का सर फोड़ दिया, उसके बदले वो थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाए या ना लिखवाए वो शोभा जाने, लेकिन आज तुमने शोभा के साथ मीरा के साथ जो बदतमीजी की है उसके बदले ये थाली उन्हें धोकर देनी पड़ेगी। जानती हूँ मैं कि मुझे हारते हुए देखना सबको पसंद है, बहुत खुशी मिलती है ना सबको, लेकिन आज मैं नहीं हारूंगी। तो आज तुम अपने पति को हारोगी। अगर आज तुमने मेरा कहना नहीं माना तो अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगा। बाकी तुम देख लो। सही पहचाना भीमराव, पहली बार सही संज्ञा दी है तुमने अपने आप के लिए। अंत में तुम्हारी पहचान यही होने वाली है, लोग यही कहेंगे था कोई भीमराव जो लोगों को समझाते 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 एक दिन खुद अतोत्साहित हो गया। इसलिए बंद करो ये समझाना, ज्ञान बांटना। अगर तुम्हें जीवन का कुछ अधिक ही ज्ञान हो गया हो तो अपने बारे में सोचो ना। पढ़ते हो ना तुम, हा? सुना है छात्रवृत्ति मिली है, अच्छा है, पढ़ो तो पढ़ो, पढ़ के बड़े आदमी बन जाओ और यहां से कहीं बहुत दूर चले जाओ जहां तुम्हें कोई पहचान ही ना पाए कि तुम्हारी असली जात कौन सी है। मेघनाथ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे राय देने के लिए नहीं बल्कि यहां से भगाने के लिए आए हैं। चेतावनी दे रहा हूं भीमराव, दुश्मन पर वार करने से पहले उसे आजमाया जाता है। अब तक आजमा रहा था मैं तुम्हें, अब सोचा वार करने से पहले एक बार चेतावनी दे के देख लूं। दे दी आपने चेतावनी, तो फिर एक बात अच्छे से सुन लीजिए। मैं अपने जात के अपने समाज के लोगों से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए उन लोगों से अलग कहीं दूर जाकर मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता बल्कि उन लोगों में रहकर उन लोगों के साथ बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। इसलिए ये भीमराव भागेगा तो हरगिज नहीं, फिर अंजाम चाहे जो हो। मतलब तुम्हें हमारे बीच की ये लड़ाई जारी रखनी है? नहीं, हम तो लड़ाई करना ही नहीं चाहते बल्कि हम तो सहयोग की अपेक्षा करते हैं आपसे, बड़ा बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, मुझे तुम्हें जितना आगाह करना था जितना समझाना था मैंने समझा दिया, चलता हूं। मेघनाथ जी, बस जाने से पहले एक बात सुनकर जाइए। अगर आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये भीमराव रुक जाएगा
थक जाएगा या हार जाएगा। और ना तो उन पर इस्त्री करते, बस बाकी सारे कपड़ों के साथ लपेट कर लेकर जाते और ले आते हैं। झूठ! ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। देखिए, हम ना कपड़ा धोवे का काम बंद कर दिए और हमारी बीबी फुलिया अब वो ठहरी औरत जात, तो कितना काम होएगा उसे भला। तो भवा ई है कि वो ई दुइनों का काम पे रख ली है। अब ई दुइनों ही बाहर से कपड़ा लेके आवत हैं, होवत हैं, ओमा इस्त्री करत हैं और बाहर सबका ई बतावत हैं कि ई सब फुलिया करत है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे? अरे ये झूठ क्यों बोलेगा? और अगर ये झूठ बोलेगा तो घाटा इसी को होगा ना। अब अगर इसकी पत्नी फुलिया दो पैसे कमाएगी तो मुनाफा किसको होगा? इसी को होगा ना। क्योंकि ये ईमानदार है, आप लोगों के साथ इतने दिनों का संबंध है, इसलिए ये सच कह रहा है। अब आप लोग सोच लीजिए कि आप अपने कपड़े इन लोगों से धुलवाएंगे या फिर कोई दूसरा कपड़ा साफ करने वाला ढूंढ लेंगे। देखिए, इन लोगों की बातों का विश्वास मत कीजिए, इनकी अपनी पत्नी से नहीं बनती है, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप हम पर विश्वास कीजिए। आप इन दोनों पर विश्वास करेंगे? अरे भीम के भाई हैं, छल कपट तो होगा ही। सही कह रहे हो, अभी चलकर फुलिया की दुकान ही तोड़ देते हैं। ना दुकान रहेगी, ना ये दोनों घूम घूम कर कपड़े इकट्ठे करेंगे और ना हमारा धर्म भ्रष्ट करेंगे। यही ठीक रहेगा। भाभी, आप अंदर जाओ, कोई कपड़ा नहीं देना इनको। चलो। देखिए, गलत है सब। अरे काका, आपसे झूठ बोला गया है। हाँ, झूठ बोला गया है तो दुकान हम बनाओ और मजा तुम दोनों लुटबाओ। नहीं, अब ये दोनों जाए के हुआ दुकान का तोड़ डलिए और कौनो कुछ न कर पाएगा। और तुम्हारा भाई न्याय न्याय करता रहता है ना। फुलिया, हम तो का कितने अच्छे से समझाए रहे कि हमारी बात मान ले और ये कपड़ा वपड़ा की दुकान बंद कही थे, लेकिन तैयार है नहीं भाई। अब देख, दुकान खत्म हुई गई, तय ना एक बात हमेशा भूल जाता हूं कि हम मर्द हैं और तुम औरत, और घर का मालिक मर्द होता है तो घर के फैसला भी मर्द के ही होते हैं। इसलिए हमको तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना पड़ा है। हमको अच्छा नहीं लगता है फुलिया तुमका तकलीफ में देख के, लेकिन क्या करें, तुमका तकलीफ होएगी, दर्द होएगा, तब है तुम समझो। अरे लो पियो। मैं मर जाऊंगा, ला करके दो ना भीम। हाँ भीमराव, अब तो दया कर अपने दोस्त पर, आ जा मुझसे मांग ले शराब और दे दे अपने दोस्त मालू जी को। ये देख, मैं शराब लाया हूं, आ जा। तुम्हें दोस्ती की कसम है भीम, मांग करके दो ना, दो घूट पीऊंगा फिर सो जाऊंगा, लेकिन ला करके दो ना भीम। जो शराब न पिए वो क्यों जिए, मरता शराब पिए तो वो भी जी जी जाए। अरे वाह हितेश भाई, तुम तो कविता भी करने लगे। अरे शराब चीज ही ऐसी। पियो पियो। आओ भीमराव,
और तुम सब याद करो जब मैंने भीमराव से शर्त लगाई थी कि इसकी शिक्षा बड़ी या हमारी शराब बड़ी। मैं तो भीमराव के पास शिक्षा लेने नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मेरे पास आएगा शराब लेने। अब वही खड़े होकर देखो, तुम्हारी शिक्षा का जवाब हमारे पास ये नशे का मटका है। ये अच्छा मुकाबला होगा कि तुम्हारी शिक्षा जीतती है या ये शराब। आजा भीमराव, आओ। जीते 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 निकल 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 निकल। रुक जा बेटा, शिक्षा को एक मटका दारू के सामने मत झुकने देना। आओ आओ। भीम, वैसे तो संस्कार कहते हैं कि अगर कोई खाना दे जाए तो थाली साफ करके लौटानी चाहिए, लेकिन आज घर में पानी नहीं है तो आप ऐसे ही लेकर जाइए। मेरी आई यहाँ सब्जी रोटी लेकर आई तो आपने उन्हें झूठी थाली देकर वापस भेज दिया। ये थाली तो जीजा बाई ही धोकर देगी। चाहे जो हो जाए मैं ये थाली नहीं धोऊंगी। जीजा बाई मैं नहीं लेकर जाऊंगी, आप धोकर दोगे तभी। ये थाली आई खाना खा लीजिए। पता नहीं भैया ने खाना खाया होगा कि नहीं। क्या हुआ आई? सुबह मैं भैया को खाना खिला कर आती हूँ। आई अब जाओगी तो फिर से झगड़ा होगा। झगड़ा होगा तो हो जाने दो, लेकिन जीजा भाई को सबक तो सिखाना होगा ना। हाँ सच में जीजा भाई को सबक सिखाने की जरूरत है, मगर आप क्यों? मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। मेरे भैया के घर को नरक बना दे उससे पहले जीजा भाई पर अंकुश लगाना जरूरी है। तुम मेरी चिंता मत कर। उनके पसंद की सब्जी बनाई है, जानते हो थोड़ा गुस्सा करेंगे, थोड़ा सुनाएंगे, लेकिन ठीक है, वैसे भी सुनती रहती हूँ, थोड़ा और सुन लूंगी। लेकिन इस घर के बाकी लोगों को एक एक करके ठीक वैसे ही घर से बाहर निकालूंगी जैसे दीदी को निकाला है। पति को तो घर से बाहर नहीं निकाल सकती, उन्हें तो समेट कर रखना ही पड़ेगा।